बिस्मिल्लर रही वी आर स्टडिंग एफिशियट कैपिटल मार्केट जिस पर हमने कहा था बेस कर रहा है एफिशियंट मार्केट हाईपोथियंट मार्केट थे इसकी थोड़ी हम डेवलपमेंट में बात करेंगे एज इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पेंडिंग समाइम ऑन दट ट्रिएटिंग वैल्यू ट्रू फाइनेंसिंग फूल इन्वेस्टर्स ये हमारा अक्सर एक कॉन्सेप्ट मार्केट में देखा जाता है कि जी कैन बी फुलर फुलवेस्टर्स इन अंस कि हम उनको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं तो

रिड्यूस कॉस्ट और इंक्रीज सब्सिडीज सर्टन फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग हैव टैक्स एडवाटेज जब हमें कुछ फाइनेंसिंग में टैक्स एडवांटेजेस अप्लाई होते हैं सब्सिडीज़ तो वो उनका इंप्लीकेशन आएंगी बट वो जो पहले वाली बात के उनको आप बार बार फूल कर सकते हैं एक ही तरह के इन्वेस्टर्स को बार बार दैट नॉट पॉसिबल क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी सम टाइम अ फॉर्म कैन फाइन प्रीवियसली अनसेटिस्फाइड जैसे कई जिस तरह आपका आपने सुना होगा कि रीपैक कर देना या रीलेबल कर देना तो कई दफ़ा फाइनेंशियल मार्केट्स में भी ये हो सकता है कि आपकी एक सिक्योरिटी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो यू कम अपू सिक्योरिटी एंड यू कैन एक्सपेक्ट के इन्वेस्टर उसमें आएँ तो अगेन दिस फिना इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज अब इन्वेस्टर्स आर मोर नॉलेजबल मोर लिटरेट सो यू हैव टू बी कीपिंग इन माइंड कि ये नहीं हो सकता कि आप अपनी एग्जिस्टिंग बैड प्रोडक्ट बैड कार्ड स्क्रिप्ट को रीपैक करके या री लॉन्च करके यू कैन गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट तो अब हमें ट्रू वैल्यूएशन की ही बात होगी इट्स नॉट लाइक वो आप विद अदर मेयर्स आप अपने आप को एक्स्ट्रा अच्छा शो कर सकते हैं दैट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर और ये क्यों है सिंस द इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन सिक्योरिटी प्राइसिस क्विकली नोइंग इन्फॉर्मेशन वेन इट्स रिलीज दाज इन्वेस्टर लिटिल गुड जो भी इंफॉर्मेशन एक कंपनी के बारे में आएगी वो स्टॉक की प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इन्वेस्टर्स का उस इतना पर इतना ज़्यादा होल्ड नहीं होगा स्टॉक पिछले फर्स्ट में एग्जाम्पल देता हूँ आपने एक ऑयल एंड गैस कंपनी का शेयर ख़रीदा हुआ है उस कंपनी को एक नया वेल मिल गया रिज़र्व मिल गया अब वो रिज़र्व को एक्सप्लोर अभी तो डिस्कवर हुए हैं फिर वो एक्सप्लोर करेंगे उसमें फर्दर ड्रिल करेंगे इन द गेट द मटीरियल आउट ऑफ इट और वो फ्यूचर उनको बेनिफिट करे तो जितना उनका फ्यूचर में बेनिफिट होना होता है फ्लैट से उसका एक रुपये का पर शेयर इम्पैक्ट है तो वो अभी प्रेजेंट वैल्यू उसकी एक रुपया है तो अभी शेयर की प्राइस एक रुपया बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि अगर मुझे आज पता लगा है और एक इन्वेस्टर को एक दिन पहले पता चल गया तो के लिए इट्स इक्वली गुड बिकॉज वो इमीजिएटली स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा दैट्स द रीज़न कि ये इमीजिएट इम्पैक्ट है दिस इज अ सिंबल ऑफ एफिशिएंट मार्केट के प्राइसेस में क्विकली रिफ्लेक्शन आ जाए फर्म शुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फेयर वैल्यू फ्रॉम सिक्योरिटीज दैट दे सेल ये कंपनीज के लिए भी अच्छी बात है कि जो हम चीज़ बेच रहे हैं हमारा जो शेयर सेल हो रहा है सो द मनी वी गोना गेट फ्रॉम द मार्केट फॉर न्यू शेयर इशू और एनी राइट शेयर सो दैट विल बी फेयर मार्केट हमें ये नहीं होगा कि बहुत कम मिलेगी हाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी जो कि नेगेटिव चीज होगी फॉर इन्वेस्टर के कंपनी को बहुत ज्यादा प्राइस ओवर प्राइस हो जाए बट फेयर वैल्यू मिलेगी तो इट्स गुड फॉर बोथ कंपनी के लिए भी फेयर वैल्यू है इन्वेस्टर के लिए भी फेयर वैल्यू फर्म कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम पूलिंग इन्वेस्टर इन एफिशिएंट मार्केट तो एफिशिएंट मार्केट में आप इन्वेस्टर के साथ गिमिक नहीं कर सकते फाउंडेशन ऑफ मार्केट एफिशिएंसी कि किस पे ये बेस करी होती है इन्वेस्टर्स रैशनैलिटी इन्वेस्टर जो हैं वो एक तरह से सोचते हैं एंड दे हैव

डेज बिफोर एंड आफ्टर अनाउंसमेंट कि किसी एक शेयर की अनाउंसमेंट आई एंड देट वॉज अ गुड अनाउंसमेंट तो उसका जैसे भी मैंने बताया था कि एक कंपनी का ऑयल वेल well या एक डिस्कवर हो गया तो उसमें हमने देखा कि ये मार्केट की प्राइस स्टेबल थी एंड देन इट रीच इट गोज़ अप एक स्टेप अप हो गई एंड देन इट टू सेट एट अ सेम प्राइस तो ये किस सिचुएशन में होगा वैन मार्केट्स आर एफिशेंट

Rather than वो इमिजिएटली प्राइस अप हो वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके आप इसको कहते हैं डिलेड रिस्पॉन्स तो वी कैन सी अगर एफिशियंट होगी तो द मार्केट इज मूविंग इन दिस ग्रीन डायरेक्शन एंड अदरवाइज वी कैन सी द अदर ऑप्शन दैट इज साइंस ऑफ इन एफिशंसीज इन द मार्केट तो दिस वॉज द केस ऑफ अ गुड न्यूज दैट मीन पॉजिटिव फॉर शेयर सिमिलरली देर कुड भी सम बैड न्यूज एज वेल जैसे एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर की चेन हो और उनका एक वेयर हाउस बहुत बड़े पे उसमें वहाँ पे देख कॉर फायर अब दैट मीन ह्यूज इन्वेंट्री लॉस और मे बी वो इंश्योरेंस फैक्टर है ही नहीं बट जनरली एक कंपनी को एक किसी मेजर प्रोजेक्ट में लॉस हो गया है और वो न्यूज़ मार्केट में आई है तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा द शेयर प्राइस शुड ड्रॉप डाउन तो जैसे अभी आपने यू कैन सी इन द डायग्राम के एक लेवल पर चल रही है एंड देन इट इज ड्रॉप डाउन सुनाओ आप खुद इमेजिन करें अगर मार्केट सेफिशेंट नहीं होगी तो क्या होगा थिंक ऑफ इट इन योर माइंड हेयर इट इज इट कुड बी सीन एज अ वेरी बैड साइन तो ओवर रिएक्शन आ सकता है कि वो रादर देन जितना गिरना है उससे ज़्यादा जैसे इम्पैक्ट अगर दो रुपए का है वो शेयर में पाँच रुपये गिर जाए या चार रुपए गिर जाए और इट कुड बी कि इन्वेस्टर्स कहें नहीं ये तो कंपनी बहुत अच्छी है तो ये अगर न्यूज़ आई भी है तो कंपनीज कैप्चर कर लेंगी

तो so, हम कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा बच्चा है ये गुड है और ये फेयर है अब ये तीनों गुड कैटेगरी में है लेकिन गुड की भी डिग्रीज हैं तो इन सिमिलरली वी आर सेइंग वी हैव वीक फॉर्म इन एफिशेंट बट वीक ये इन इन एफिशेंट की बात नहीं हो रही एफिशेंट में ये वीक कैटेगरी है देन वी हैव सेमी स्ट्रोंग एंड देन स्ट्रोंग इन पे हम डिटेल्स डिलिब्रेट करेंगे और इनके डायनेमिक्स को हम डिस्कस करेंगे इन आर upcoming module. Thank you.